नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है व्हाट डज राइला लूज, राइला की क्या चीज़ गुम हुई है, तो राइला का जो गोल्डन बैंगल था वो गुम हुआ. सेकंड क्वेश्चन है वेयर डज राइला सिट, राइला कहाँ पर बैठी हुई थी, तो शी वॉज सिटिंग अंडर द वुड एप्पल ट्री, जो वुड एप्पल ट्री था उसके नीचे बैठी हुई थी. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज राइला डू, राइला क्या कर रही थी, शी वॉज काउंटिंग द लीव्स 1 2 3 4 करके वो लीव्स को काउंट कर रही थी. अगला फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डज द लीव फ्लाई, लीव कहाँ कहाँ फ्लाई करा, मतलब सबसे पहले वो हवा के अंदर गया, फिर उसके बाद जब विंड ब्लो ज़्यादा हुई तो उसने डांस करने लग गया लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, और फिर वो जो स्पिन करने लग गया लाइक टॉप, और एंड पे वो होल के अंदर गिर गया. नेक्स्ट है वेयर डज द लीव फॉल, लीव फॉल कहाँ पर गिरा, तो वो होल के अंदर गिरा जो रोज बुश के साथ होल था. अगला क्वेश्चन है वेयर डज राइला लॉ ऑफ राइला हंस क्यों रही थी, वो इस वजह से हंस रही थी कि वो खुश थी कि उसे उसका बैंगल मिल गया है. नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द पिक्चर्स इन द लेसन, इस एक्टिविटी की क्या है कि पिक्चर्स को देखना और उसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑन द रोज बुश, वो जो रोज बुश है वो झाड़ी है उसके ऊपर कितने फ्लावर्स हैं, उसके ऊपर 19 फ्लावर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वुड एप्पल्स आर देयर ऑन द ग्रास, जो पहले पेज पे जो है पिक्चर है उसके ऊपर जहाँ पर राइला बैठी हुई है वहाँ पर कितने वो वुड एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर 6 वुड एप्पल पड़े हुए हैं. इस तरह से की एक्टिविटी अगली जो है ये जो 3 रह गई हैं ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे. और यहाँ पर वर्ड पॉट्स है, पॉट्स जो गमले होते हैं उसको बोलते हैं. और उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, सबसे पहले है ब्लैंक, ये ब्लैंक्स जो हैं वो चैप्टर के अंदर से उठाई हुई हैं. तो डैश इज़ क्राइंग, राहिला इज़ क्राइंग, राहिला रो रही थी. सेकंड है डैश इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, क्या चीज़ दरख्त से नीचे गिरी थी, तो लीफ. अगला है द विंड डैश ब्लोस, इस तरह से ये जो है वो स्टोरी के अंदर से ये है, तो स्टूडेंट ईजिली इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट आपके एक्टिविटी है लर्न द राइम, ये पोएम है, ये पोएम जो है वो स्टूडेंट्स ने खुद याद करनी है. नेक्स्ट है आपके पास प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस वाली एक्टिविटी क्लास में करवाई जाएगी. यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है, अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्यूरी कर सकते हैं. थैंक यू.